रेखा एक बार फिर आपका स्वागत है। भिंड की बात करेंगे, बड़ी खबर भिंड से इस वक्त। आपको बता दें यहाँ पर फायरिंग का एक मामला निकल कर सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से चैन खींची और दो बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। दिन दहाड़े सड़क पर चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। भिंड से बड़ी खबर, बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से चैन खींची है। दो बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से इन दोनों बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। दोनों के जो मुंह है वो कपड़े से ढके हुए थे, यानी कपड़ा बांधे हुआ था इन दोनों बदमाशों ने। और ये जहां पर घटना हुई है, इस घटना के ठीक बगल में एक घर था जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसमें ये जो वारदात है वो कैद हो गई है। बाइक सवार दो बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। दोनों फोन लाइन पर हमारे संवाददाता योगेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं। योगेंद्र, इस वक्त दर्शक भी उस तस्वीरों को देख सकते हैं सीसीटीवी में, ये वारदात कैद हुई है, कहाँ का ये मामला है? बिल्कुल अंकुश जी, बताता हूँ, ये सिटी कोतवाली क्षेत्र का मामला है जी। महिला जब अपने घर के लिए वापस जा रही थी, उसी समय तो एक बाइक पर दो सवार लोग आए और महिला के गले से चीन खींच कर और फरार हो गए। वो सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे फुटेज कैद हुई जी। फिलहाल जो आरोपी हैं, क्या पुलिस को इनके बारे में जानकारी मिल चुकी है? पुलिस क्या कुछ कर रही है? जी बिल्कुल, महिला जब थाने पहुंची, महिला ने अभी थी बताई, तो वहां पर जो पुलिस वहां पर आई तो एक मकान में सीसी कैमरा लगा हुआ था, वहां से उनसे फुटेज देखी तो सीसी कैमरा की फुटेज दरअसल पुलिस आरोपियों की तलाश में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में है, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, किस तरह से दोनों आरोपी बाइक सवार बदमाश वहां से, ये अपाची बाइक दिखाई दे रही है और महिला आते हुए दिखाई दी, उसके गले से चैन झपटी, पीछे बाइक पर जो आरोपी है, जो बदमाश बैठा हुआ है, उसने चैन झपटी और बाइक सवार वहां से फरार हो गए। लेकिन इनकी ये जो वारदात है वो वहां पर एक घर में लगे, घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भिंड से ये खबर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।